हर किसान का सच्चा साथी सोनालिका ट्रैक्टर, अधिकृत विक्रेता साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, प्रोप्राइटर वीरेंद्र पूनम पटेल। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के आगे खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। देश की राजनीति में पता नहीं क्या चल रहा है, महाराष्ट्र में जो हुआ सबके सामने है। ऐसे में मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस की धड़कनें उस वक्त तेज हो गईं जब महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने ट्विटर बायो से कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी का चिन्ह ही हटा दिया। कांग्रेस के तमाम बयान आए और आज मामला शांत होता दिख रहा था, लेकिन अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेहद करीबी शिवपुरी जिले के पोहारी विधानसभा से विधायक सुरेश राजखेड़ा ने यह ऐलान किया है कि सिंधिया किसी पार्टी में नहीं जाएंगे, वो अगर कांग्रेस छोड़ेंगे तो अलग पार्टी ही बनाएंगे। इस बयान के मायने बिल्कुल साफ साफ हैं। पार्टी में जाने का तो सपना आप सब लोग छोड़ दें कि दूसरी पार्टी में जाए, ये महाराज बोल सकती है। जिसने जो चाहेंगे उसने अपनी पार्टी खड़ी कर सकते हैं मध्य प्रदेश में, और बजू में उनका उनके अंदर वो बता देंगे कि मेरा क्या जलवा। वो जब चाहेंगे तो पार्टी बनाएंगे तो फिर आप किधर जाएंगे? सरमत महाराज साहब यदि पार्टी बनाते हैं तो सबसे पहले यही बंदा मिलेगा, वो सरमत महाराज साहब के संग जहाँ महाराज रहेंगे वहाँ मैं रहूँगा। हमेशा महाराज साहब का रेडी हूँ, पार्टी सर्वोपरि है, लेकिन सबसे पहले सरमत महाराज साहब सर्वोपरि है। वो मेरे इज्जत नेता है, मेरे आदमी है, और मैं उनका छोटा सा सेवक हूँ। हमेशा सेवक बन के सरमत महाराज साहब के चरणों में अपना ध्यान लगाता हूँ, और उसी की बदौलत है कि आज मैं इस ऊंचाइयों को लाड़ प्यार ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। इसलिए मैं हमेशा सरमत महाराज साहब का शुक्रगुजारी हूँ। ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश की राजनीति और सियासत के वो रंगदार है जो समय आने पर कांग्रेस का पल भर में रंग उतार सकते हैं। सिंधिया लोकसभा चुनाव में क्या हारे, उनके विरोधियों के तो पंख लग गए, उनके समर्थक मंत्रियों को तोड़ना शुरू हो गया। लेकिन सिंधिया के आज भी पार्टी के चाहने वाले विधायक कई हैं। क्या वजह है कि सिंधिया को दरकिनार कर सिर्फ प्रदेश में कमलनाथ कमलनाथ नाम का रट किया जा रहा है? कुछ ऐसी गुटबाजी भी हो रही है कि सिंधिया गुट के मंत्रियों के काम सरकार नहीं कर रही है, इस वजह से विवश होकर वो कमलनाथ गुट या दिग्गी गुट में शामिल हो रहे हैं। इन सारी बातों की खबर सिंधिया को है। उन्होंने कांग्रेस की पब्लिक मीटिंग और पीसीसी में जाना लगभग खत्म कर दिया है। ऐसे में उनके खासम खास एक विधायक की यह बोल कांग्रेस भले नजरअंदाज कर दे, लेकिन सिंधिया घराना वो आग है जिसको जिसने छेड़ा है वो गलत में ही गया है, या फिर उसका नामो निशान मिट गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया घराने की एक हार पर आप, हम और कांग्रेस होने यूं ही चमका नहीं सकती। सिंधिया इस प्रदेश का वो अंदाज है जिस पर आज भी युवा कांग्रेसी अपनी उन पर जान छिड़कता है। ऐसे में उनके समर्थकों के यह बोल खतरे की घंटी का साफ साफ इशारा कर रहे हैं। सागर एक्सप्रेस न्यूज के ब्यूरो रिपोर्ट। विज्ञापन के लिए संपर्क करें 9827137475 9993776776।